तो आज हम लोग चैप्टर 3 पढ़ेंगे। चैप्टर 3 में क्या है, पार्ट ऑफ द सेंटेंस यानी वाक्य के भाग के बारे में जानेंगे। तो इसके दो भाग होते हैं, पहला सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट किसको कहा जाता है, सब्जेक्ट उसे कहा जाता है जिसके बारे में कोई कार्य हो रहा है, जो खुद अपने स्थान पर होता है। यानी आप अंग्रेजी या हिंदी के देखेंगे तो वह सबसे पहले ही लिखा रहता है वाक्य में, जो सबसे पहले लिखा रहता है जिसके जिसका कार्य हो रहा है या जो कह रहा है। दूसरा प्रेडिकेट यानी सब्जेक्ट के बारे में जो कहा जा रहा है वही होता है। एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं, राम रिक्स अबू, तो आपका रिक्स राम क्या है, सब्जेक्ट हो गया, और राम के बारे में ही बताया जा रहा है कि वह एक किताब पढ़ता है, तो प्रेडिकेट। प्रेडिकेट ज्यादातर आप देखेंगे कि सब्जेक्ट के बाद होता है, यानी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के बाद जो आता है वही प्रेडिकेट होता है। ये भी समझे, यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है लेकिन मेन वर्ब है ना, इसके बाद के जितने पार्ट्स होते हैं वह प्रेडिकेट हो जाते हैं और इससे पहले का सब्जेक्ट हो जाता है। दूसरा सहायक क्रिया से हम समझ जाएंगे, इज, आर, एम, वाज, वेयर, है, यानी जितने भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं उसके बाद का जो होता है वो प्रेडिकेट होता है।